हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी के रिगार्डिंग काफ़ी इंपोर्टेंट आपके लिए अपडेट है, बिग अपडेट आप सभी के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड, एग्जाम ऑनलाइन और RTI। तो RTI होता क्या है, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि RTI होता क्या है। दोस्तों, RTI एक ऐसा क्वेरी होती है जिसे कह देते हैं कि आपकी कोई नेवी के रिगार्डिंग या फिर एयरफोर्स या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, उसके लिए एक RTI जो होती है वो दाखिल की जाती है, जिससे कि आपको उस अपडेट के बारे में पता चल जाए। जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट, कोई नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल जाए, तो RTI के अनुसार आप देखते हैं। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो RTI है वो हमने नेवी में दाखिल की थी, और इस हमारे साथ साथ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल, जो भी यूट्यूब चैनल है उन्होंने भी दाखिल की थी, और साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट, ठीक है, काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट ने भी की थी। और ये RTI दाखिल कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारी RTI का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये स्टैंड अप क्लासेस से हमने ये RTI उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले जो RTI का जवाब आया वो क्या आया है। तो सर, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा, और एडमिट कार्ड कब आएगा, और आपका जो RTI का क्या जवाब आया है, ठीक है, और नई भर्ती कब आने वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा दें जो RTI दाखिल की गई थी उसमें जो दबाव आया है, ठीक है, जो जवाब आया है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो RTI दाखिल करने के बाद आया है, ये आया है 21 मई, ठीक है, 21 मई को ये की गई थी। जो इसका जवाब है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है कि एक एक्ट था हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के द्वारा 2012 में, ठीक है, जो कि पास किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो जब तक अपना, ठीक है, जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ या सिटीजनशिप प्रूफ नहीं दिखाएगा हम उसको कोई जवाब नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ योर RTI एप्लीकेशन इट इज़ रिलीव्ड दैट वेरियस RTI एप्लीकेशन सीकिंग सिमिलर क्वेरीज विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेस हैव बीन रिसीव्ड एट, ठीक है, यहाँ पर हैंस यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन सिटीजनशिप प्रूफ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम आपको जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन जब देंगे जब आप अपनी सिटीजनशिप प्रूफ देंगे हमें। कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग अपना सिटीजनशिप प्रूफ आज यदि जमा करते हैं, ठीक है, आज तारीख हो चुकी है आपकी 4 या 5 तारीख है, ठीक है, और आप हमें 5 तारीख में सिटीजन प्रूफ देते हैं, तो उसके बाद आपका 10 दिन बाद भी देखेंगे, 10 दिन बाद देखने के बाद वो 10 दिन बाद जवाब देंगे। कहने का मतलब है आपका जून तो खत्म हो जाएगा, जुलाई में आपको पहुंच जाएंगे, और जुलाई में ये कह रहे हैं कि आपका 23 जुलाई को क्या होने वाला है, आपका मेरिट लिस्ट जारी करने वाले हैं। मेरिट लिस्ट कैसे जारी करेंगे, अभी तक 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट कहाँ से कर देंगे, उससे पहले ये लोग एग्ज़ाम भी नहीं करा पाएंगे। और एग्ज़ाम कराने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल अनफिट फिट वो सारी लिस्ट आएगी, आपकी PSL आएगी, और उसमें आपका एडमिट कार्ड जारी करने से पहले, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले लगभग ये 15 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि वो अपना, ठीक है, जाने का जरिया देख ले, वो अपने एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचे, वो सारी, वो सब कुछ देखना होता है स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट के घर के पास नहीं होता, ठीक है। इस हिसाब से जो आपका एग्जाम है वो, जो आपकी मेरिट लिस्ट है 23 जुलाई को नहीं होने वाली है। और बात कर लेते हैं आपके एग्जाम की, तो एग्जाम दोस्तों सारे के सारे एग्जाम, जैसे कि UPSC के एग्जाम है या फिर कोई भी बड़े एग्जाम है, वो अक्टूबर या फिर सितंबर में लगा दिए गए हैं, ठीक है, इससे पहले कोई भी आपका एग्जाम नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं, मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो आपका कोस्ट गार्ड DV है, ठीक है, कोस्ट गार्ड, ठीक है, जो आपका कोस्ट गार्ड DV है, और आपका सॉरी GD और नेवी AA और SSR दोनों की ट्रेनिंग एक साथ होने वाली, इस चीज़ को याद रखना है। इसके रिगार्डिंग हम का एक कंप्लीट वीडियो आप सभी को बना देंगे कि आपका एग्जाम कब होने की संभावना है और क्या सिचुएशन है। तो RTI का ये जवाब आया जो आप सब लोग सुन रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है दोस्तों वो अभी कोई भी डिसाइडेड नहीं है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो लेट होने वाला है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। जो आपका एग्ज़ाम है वो लेट होगा, RTI का कोई भी जवाब नहीं आया, RTI फिर से दाखिल करनी पड़ेगी, ये आपका मजा के जवाब था। और बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। दोस्तों, यदि आपकी कोविड की सिचुएशन संभल जाती है, ठीक है, यदि जैसे कि 0 केस लगभग आ जाते हैं, 0 केस का मतलब ये कि यदि केस 10-15 हज़ार के करीब पहुँच जाते हैं,
या 20,000 तक पहुंच जाते हैं तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपको दुआ करनी है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो जाए। बात कर लेते हैं आपका एडमिट कार्ड, हमने आपको बता दिया सारी रिगार्डिंग जो भी खबर थी हमने आप तक पहुँचा दी है, RTI का जवाब आप तक पहुँचा दिया है दोस्तों। ठीक है, इस हिसाब से आपके दिमाग में जो भी चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बता दें हमें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने क्या सुना, क्या समझा, क्या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।